आपको लाइव क्लासेस तो प्लस तो ये जो लिंचिंग वर्ड है प्लस वाले कॉमर्स प्राइसेस के नाम से सोशल बिहेवियर और लिंचिंग का मतलब क्या है कि इरेगुलर कोर्ट टीका क्या है लेने का भाई एकेडमी के आपको डाउनलोड करना है ये वैसे ही बाकी वाला के लिए सब सेशन में जाओगे अपना पैसा सेलेक्ट करेंगे पर क्या करेंगे क्लिक करके नीचे मेरा कोड डालेंगे वहां ऐसा शर्मा है गवर्नर और का इस्तेमाल करेंगे सोसाइटी इज जेनेटिकली अपडेटेड होने जाएगा नॉन प्रोडक्ट और मेनू ज्वाइन करेंगे और एडिट कर सकते हैं प्रोडक्ट के अलावा तो बुकिंग का भी बताना पड़ रहा है कि आप चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं लगे की हमारे 100 में ये हमको नहीं इन दोनों का समय हमारे अभी ज्यादा चल रही है और ना ये सब क्या करेंगे अपन से भी सर्च कर लेकिन अब चेक कर लीजिए भाई 150 है फिर जून 2000 यहाँ पर क्या है यहाँ पर गलत करने से अच्छा है
जो है वो एक साथ है या फिर जमीन के अंदर जा रहे अंजाम देते हैं। और देखो ये सब आपको आंसर क्या आएगा इसका एक लाइन है इलेक्शन किसी को दिक्कत है ये भी एक ये सारी चीजें माइग्रेशन ठीक है डिप्यूटी स्पीकर लक्ष्मीकांत यहाँ पर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज के बारे में और क्या है इसका कि मच बिगर देन सप्लाई जितना अभी आ रहा है उससे भी ज्यादा है सस्टेनेबल है ठीक है जा रही होगी
पहले कभी करेंगे यूज नहीं किया। यहाँ पर क्या है भिन्न कैसे कह भाई मैंने अपनी पीवीडी बनाई है मुझे करेंगे इन इंडिया सब कुछ भी नहीं मतलब जिसको भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ऑप्शन या कुछ नहीं मिला उसे जहाँ पर आओ इमेज भी करो या देखो या जब तक करना क्या है उसको बैक कर सकते हो कर सकते हैं ऐसा कोई लॉ नहीं क्योंकि वो बोला है इन इंडिया एग्रीकल्चर स्टिल इंगेजेस अबाउट हाफ ऑफ द डोमिनेंस वाला भी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की हाफ और यहाँ पर जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनका 70% यहाँ पर है मतलब क्या है न्याय के बाद में आप देखिए नॉन अवेलेबल इतना दिख रहा है और नॉन अवेलेबल ऑफेंस
लाइफटाइम जानवे बटे 500 की बात कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप सरकार बनाने में योगदान दे रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है, आप अपनी पार्टी चुनने का अधिकार है, इसके साथ और ये खाली होता तो घोषणा में आपको अभी तक राइडिंग मदर बैग जब दो ऑप्शन तो उनके उसकी वजह पहले से ही जब इंडिया
ये सारा हमारा था क्या राज इंस्टीट्यूट साल का डेटा आपको 1992 में कितना था, कुछ अगर कंफ्यूजन कितना हो गया बैटरी है आपने अगर इंट्रोडक्शन देना है तो क्या बोलते हमारी लाइफ की ठीक है।
हमने यहाँ पे डिवीजन में पढ़े थे इधर तो बंद हो जाएगा घर में सारी क्या हुआ कि डेडली फंगस जो है इन द 70s से लेके 70s तक हाई ऑर्डर का नाम बहुत ही ज्यादा चले में साउथ अफ्रीका जाता है 2016 में बाबा ने इसमें ट्रांसपोर्ट साउथ उन्होंने स्टडी करी थी किसके ऊपर रॉक एंड इंडस के ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया था कि माउंटेन रिकॉर्डिंग जो टू टाइप ऑफ टाइप ऑफ द रॉक हैड बीन फाउंड इन द मतलब टेक्निकल रिकॉर्ड का तंत्र ये उन्होंने फाइंड किया था ये फोर ऑफ द लार्ज माउंटेन सिस्टम है जो है यहाँ पर क्या ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया था चार्ल्स डार्विन उन्होंने सब डिवाइड कर दिया था टेरिटरी रॉक को और द पेरिस ऑन देयर फॉर इन कम विद द सबसे बड़ी फास्टेस्ट आइडिया के साथ हुआ है उन्होंने नोटिस किया कि जो रॉक है द रॉक एट द टॉप ऑफ द सेक्शन एट वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फॉसिल ऑफ लिविंग स्पीशीज वो एट द बॉटम ऑफ द सेक्शन हैड अ वेरी फ्यू लिविंग फॉर्म उन्होंने बोला कि रॉक का जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज है फॉसिल के लिविंग फॉसिल स्पीशीज रिप्रेजेंट होने की और जो बॉटम सेक्शन है उसके बहुत ही कम है लिविंग फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा ही कम प्रेजेंट है ही डिफरेंस वाज डिफरेंस वाज बिकॉज़ ऑफ द ओल्डर फॉर्म ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग फॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम एंड द रॉक वाज बिल डिपोजिट 90% प्रेजेंट है 18% प्रेजेंट है और एट द एंड में वो 9.5% के लिए हम क्या किसी ही
कितने नंबर आ रहे हैं जैसे कि यहां पर डिवीजन जो है वो कोरिलेट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग द फॉसिल सिटीज फॉसिल सिटीज के कारण जो उनके टेरिटरी के जो सब डिवीजन है वो वर्ल्ड में अराउंड करते हैं मिलते हैं रॉक विद द सेम स्पीशीज ठीक है कंसीडर टू बी द सेम एज एज दोस इन द पैरिस द सेम ग्रोथ फॉर द अदर सब डिवीजन सम टाइम लेटर लेटर इट वाज नोटेड दैट द एरिया अदर देन द पैरिस देयर वाज अ रॉक सीन टाइम पीरियड जो होता है वो नहीं रिप्रेजेंट किया जाता इस सीक्वेंस में देयर वाज बिकॉज ड्यूरिंग दो पीरियड है हैव नो डिपोजिशन कोई डिपोजिशन में प्रेजेंट नहीं है वहां पे किसी का पैरिस वैक्यूम का ईरान से हम पूरे सेंट्रल एशिया में घुस सकते हैं अफगानिस्तान में घुस सकते हैं बिना पाकिस्तान को या फिर क्या कर रहे हो आप पहले से कुछ हिंदी में लेकर आया था बीच में ये तो हमारा पहला डिवीजन था जो है ये पहला एरर था पीडीएफ पर जाओगे वो क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपसे वो दैट इज द मोस्ट विद एनोटेशन थॉट विच इज वेरी हार्ड और विदाउट एनोटेशन एनोटेशन मतलब भी मैंने यहाँ पर लिखा है क्रूशियल सब डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके के आपको इसका क्या मीन्स है अर्ली डॉन ऑफ द रीसेंट स्टार्ट ऑफ द दोनों एरा से स्टार्ट होता है ठीक है पीरियड ऑफ द 65 मिलियन ईयर एगो एंड एक्सटेंड टिल द 55 मिलियन ईयर एगो फॉलोइंग द मास एक्सटिंक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड मैमल बिकम द डोमिनेंट लेड लिविंग लाइफ फॉर्म बाय द आप दोनों में से कोई सा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अहेड अटेंड द रफली इट्स मॉडर्न आउटलाइन ये कब से कब तक था 65 मिलियन ईयर एगो से हाय ज्ञानेश पोल बढ़ता ही जा रहा है पता नहीं क्या हो गया 55 मिलियन एगो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है जो अभी आया है वो भी कुछ इसके सोशल इवेंट्स है जैसे हमने इसके सोशल इवेंट्स पढ़े थे कुछ सोशल स्ट्रेटजीज पढ़ी थी ऐसी सोशल इवेंट्स हैं प्लांट डेवलपमेंट इट इज फ्रॉम द ड्यूरिंग द सम कॉमन प्लांट्स फ्रॉम द फर्स्ट अपीयर द कुछ कॉमन ही प्लांट है जिनके अंदर फर्स्ट अपीयरेंस क्या होती है कैक्टस हो गया पाम हो गया ये सब क्या कॉमन प्लांट है 70 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 70 प्लांट 7 × 7 = 21 ठीक है और 9 × 18 बर्ड बिगेन ड्यूरिंग दिस बर्ड बिगेन टू डाइवर्सिटी एंड ऑक्यूपाई उन्होंने अपना डाइवर्सिटी बढ़ाया ऑक्यूपाई किया मोस्ट टाइप ऑफ द मोस्ट बर्ड टाइप हैड अपीयर्ड बाय द मिडल अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बर्ड 450 ये हो गया 390 और ये हो गया 450 450 में सब्जेक्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइड करोगे 6 से आंसर निकलेगा कितना एवरेज है एवरेज बताएं भाई कितना है क्या ड्रॉन ऑफ द रीसेंट 450 आ रहा है ड्रॉन ऑफ द रीसेंट इसको क्या बोलते हैं हम ड्रॉन ऑफ द रीसेंट ये अप्रोक्सीमेटली 55 मिलियन ईयर्स एगो एंड द कब तक 34 मिलियन ईयर्स एगो इस बीच के टाइम पे इट इज ड्यूरिंग द मैमल टुक ओवर द लार्ज एनिमल्स previously held by the rhinoceros इस टाइम पे तो वार्म क्लाइमेट प्रेजेंट हुआ करता था सिग्निफिकेंटली वाज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न यूएस एंड सेंट्रल मेक्सिको कहां पर है मेरी मिस्टेक है मैं आपको जितने भी मार्क्स दे रखे हैं वो आपको परसेंटेज में दे रखे हैं एंड सेंट्रल ये क्या है परसेंटेज मार्क्स सी लेवल जो था वो बहुत हाई था एंड मच ऑफ द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट वाज सबमर्ज्ड यूरोप वाज दे सेपरेटेड दोबारा से करो फ्रॉम द एशिया बाय नैरो स्ट्रेट और द सी ठीक है डेवलपमेंट इसके भी कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए तो डेवलपमेंट क्या है उसमें क्या था आपका डेवलपमेंट प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ था इसमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रास हुआ है एज ए कॉमन प्लेस इट सीन नाउ इट वाज नॉट अंटिल द अर्ली दैट ग्रास डेवलप्ड 90% वंडरफुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अदरवाइज फायर वगैरह पूछूंगे मैम ठीक है उसके बाद प्लस है 90% मिलियन ईयर 120 ठीक है
तो तब तक 14.8 to 33.7 मिलियन ईयर पहले की मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द पार्ट ऑफ ठीक है टेरिटरी पीरियड जो था वो लास्टेड अबाउट द 54.8 to 33.7 मिलियन ईयर एगो की बात है। ये ओल्डेस्ट फ्यूजल पार्ट है ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ओल्डेस्ट फ्यूजल या फॉसिल ऑफ द मोस्ट द वंडर मोस्ट ठीक है द मॉडर्न आउटर ऑर्डर ऑफ द मैमल अपीयर इन द बीफ पीरियड ड्यूरिंग द अर्ली ठीक है स्मॉल है अंडर द 10 एंड बोथ दोनों ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर दो ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट द नंबर इन द ब्रैकेट गिव द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो ब्रैकेट वाले ईच सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स है ये परसेंटेज है। दूसरा तरीका देखो पूजा जी ये जो है कंप्यूटर साइंस में मेंबर्स एट द टाइम ड्यूरिंग द मेजर रिडक्शन और बच्चे के कितने आ रहे हैं 80 70 70 60 कैसे हो सकता है मैक्सिमम मार्क्स, तो ये क्या होगा परसेंटेज ही है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले इस वाले को सॉल्व कर लो के बाद आते हैं क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लेंगे। ये क्या है स्लाइंटली रीसेंट है ये कब था 64 मिलियन ईयर एगो टिल द 23 मिलियन ईयर एगो। ये ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन मैमल्स मैमल्स वाज ब्लेस्ड विद द डिसअपीयरेंस ऑफ द डायनासोर डिसअपीयर ऑफ द डायनासोर एट द एंड ऑफ क्रिएशन ठीक है। और एक और है यहां पर 60% ऑफ ऑल्गियो ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका क्या स्टार्टिंग मार्क पॉइंट क्या है इज मार्क बाय द स्टार्ट ऑफ जनरलाइज्ड कूलिंग ठीक है। इसमें तो कैलकुलेट करते हैं आइस एज को ठीक है 30/100 × 130 ठीक है प्लस सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्या है 100 सिग्निफिकेंट इवेंट प्रेजेंट है कुछ प्लस 60 तो फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन The first evidence for the Australians come from the late rock in the 449 and although these animals have not ready have been for the long period of the time into 60 देखिए 0 से 0 0 से 0 कट गई यहां से 2 जीरो कट गई यहां से 2 जीरो कट गई ये भी 30 यहां पर 60 जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वो था और ये दोनों कट गए 54.8 to 33.7 अब आएगा आपका 33.2 23.87 अब आगे क्या है फॉर द प्रोसेंटी 9 ये भी टर्टी पीरियड्स है 33 टू 23 मिलियन ईयर से गो की बात है शॉर्ट लाइफ स्पैन टाइम है थ्रू द नंबर ऑफ द मेजर चेंजेस आफ्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड इस टाइम पे आपको हॉर्सेस एलिफेंट appearance of many grasses बहुत सारी grasses का दिखना plants and wood produce a vast tract of the grassland in the following subdivision of the chart is left shown from the major subdivision of the ये आपको पूरा subdivision है की भीड़ में आप भीड़ का चेहरा कैसे 8 8 16 क्योंकि जो लोग वहां पर इकट्ठे थे वो इस सेम कॉज को सपोर्ट कर रहे थे 449 आ रहा है सभी का तो कोई एक दूसरे के खिलाफ ना तो सभी के देने के हिसाब से 449 इट चार्ट इज लेफ्ट ऑफ द सबडिवीजन फर्स्ट पोर्शन ऑफ द किसका फर्स्ट पोर्शन है टेरिटरी पीरियड का जिसमें हमने इंक्लूड किया गया यू नो में लिख क्लिक एनीवेयर ऑफ द अदर नैरो एरो टू आप कहीं भी इस पे क्लिक करेंगे आपको चीजें दिखेंगे देखिए इसलिए इसका पूरा जो भी मैंने आपको अभी तक क्लासिफिकेशन के बताया है फॉसिल के टेरिटरी यहां पर भी 100% कॉन्ट्रा वो सारे क्लासिफिकेशन दे सकते हैं यहां पे चार्ट में लिखा हुआ है जो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसकी लाइफ है इसका भी जैसे मैंने पूरा फूना आकर आपको बताया था वैसा ही इसका है। ये मैराइन बेसिस है वाटर बेसिस है ये डिफरेंट डिफरेंट दो तौर पर इनको पहले की जैसे आप किसी से डिफर नहीं कर सकते ठीक है। फ्लोरा क्या है इट डज नॉट वेरी मच फ्रॉम द अपर ठीक है ग्रास लैंड इंक्रीज हो जाती है फॉरेस्ट डिक्लाइन हो जाते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पाम ट्रीज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद कौन क्या लीफ बाइंडिंग फॉर्म वाज वेरी कॉमन इन द ट्रॉपिकल जोन ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा क्या कॉमन है लीफ उसको सब बिल्डिंग फॉर्म ओवरऑल परसेंटेज ठीक है। मैमल्स का क्या होता है डोमिनेंट मैमल और रिप्लेस बाय द अदर एंसेस्टर टू द मॉडर्न टाइप ठीक है। इक्विडर्मिस क्या है न्यूमरस टू द नॉर्थन सी इक्विडर्मिस क्या है नॉर्थन सी तो इसके कुछ कुछ वर्ड हैं जो आप ठीक है। आपका पूरा पार्ट था तो 100 है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे खत्म होते हैं डायरेक्टली 75 तो ये चैप्टर नंबर 1.5 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल के क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा। इनको आप जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा 300 थिंक मैं स्टार्ट करूंगा उसके बाद चैप्टर नंबर 1.7 के बाद 1.6 स्टार्ट करेंगे
लेट्स सी क्या होता है, वो जो भी होगा वो मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन बता दूंगी कि मैं 1.6 स्टार्ट कर रही हूँ या 1.7 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। जाके आपका ओवरऑल परसेंट निकलता है। आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। किसी भी स्टूडेंट को अगर पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्विंग क्लास में प्लीज आपको कमेंट करिए, नहीं तो पेपर सॉल्विंग क्लास नहीं करनी है। किसी को ये प्रॉब्लम है पढ़ना है, आपको टॉपिक पहले पढ़वाना है कि नहीं, हमें ये टॉपिक पहले पढ़ना है, कोई भी ऐसा इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको पहले देखूंगी या मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर आप लोग ऐसा कुछ कमेंट करते हैं कि आपको ये चैप्टर पहले पढ़ना है, कि आपको नोट्स चाहिए, तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें मैं आपको इजीली नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम क्वेरी होगी उसको हम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारा। चलिए ये क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो चैप्टर है आपका 1.5 मोस्ट प्रोबेबली कल कौन सा दिन है, संडे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली मंडे में या फिर ट्यूजडे से मैं चैप्टर 1.7 या 1.6 स्टार्ट करूंगी। और प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग क्लास रखनी है तो प्लीज़ मेरे को एक बार एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास भी एक दिन रख देंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को भी ईजी रहेगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना आप लोग को पढ़ाई समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। चलिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं, खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा एंड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।